भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने आज एक प्रेस वार्ता लेते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भिलाई निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के विकास के मुद्दों की बात कही गई। इनमें हुड़को क्षेत्र की रजिस्ट्री एक अहम मुद्दा बन गया। प्रेस वार्ता में अपनी बात को विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया के सामने कुछ इस तरह से रखा। देखिए, टाउनशिप के अंदर जो बिजली बिल हाफ का लाभ है, उसको लेकर हमने पार्टी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आने वाले समय में आएगी तो बिजली बिल हाफ का लाभ मिलेगा। पट्टा जितने भी पात्र लोग हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में पट्टा सभी परिवारों को मिलेगा। टाउनशिप की जो बैकलाइन की समस्या है, उसका समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो फर्जी कनेक्शन देकर लोगों से 15-15 हज़ार रुपये तक के बिल लोगों के घर पानी के भेज दिए गए, उसको माफ़ हमारी सरकार करेगी। इस तरीके से बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो जनता के बीच से आए, जनता के लिए, उन सभी विषयों पर हम समाधान करेंगे। जैसे कि स्मृति नगर सोसाइटी की बात है, बहुत समय से ये डिमांड आती है, उसको नगर निगम में सम्मिलित किया जाए, उसको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। लगातार विपक्ष द्वारा यहाँ पे भिलाई नगरी निकाय चुनाव में यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, क्या कुछ इसमें कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि वो तो चुनाव लड़े थे 3 साल पहले, हमने भी उनके लड़ने का तरीका देखा था और आपने भी देखा था। आप ही ये तय कर दीजिए कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम सहयोग ही नहीं ले रहे हैं। ये क्या है, बातें हैं। जब आपके पास ज़मीनी हकीकत में आप ज़मीन से दूर रहते हो, जनता से दूर रहते हो, तो आप इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा के खाना पूर्ति करते हो, अपने लिए स्पेस बनाते हो कि हम हार रहे हैं तो उसका कारण भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये बीजेपी जो हार रही है, उसके पहले का ये वातावरण बना के कारण बताने का कोशिश कर रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बताया कि भिलाई में जहर घोला जा रहा है, डॉन है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने के जो प्रत्याशी हैं वो असामाजिक तत्वों को, बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है, वो भारतीय जनता पार्टी जाने इस पे, और जनता जवाब देगी। हम तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और वीडियो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं उसको जानता नहीं हूँ ठीक से। जी,